नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 30th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक इस टाइम लूप को खत्म करना चाहता है और इसलिए डूम के पास उसकी टाइम मशीन मांगने जाता है, लेकिन डूम उसे नहीं देता और इसी चक्कर में वे लोग कैंग तक पहुंच जाते हैं जहां कैंग एडी को टाइम मशीन देता है जिसको लेकर एडी गार्डन की ओर निकलता है जहां पर मेरिडस है। तो वह दूसरी ओर कार्नेज एडी को ढूंढने के लिए डिलन तक पहुंच चुका है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो गार्डन में आ चुका है और वहां के वो पूरी तबाही मचाने लगता है। तभी उस गार्डन का एडी ओजी एडी को मारने जाता है, लेकिन ओरिजिनल एडी ब्रॉक उसे पकड़ के रखता है। तभी एडी उसे कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो क्योंकि मैं असली किंग इन ब्लैक हूँ। लेकिन तभी ओजी एडी एडी को चीर देता है और कहता है हम यहाँ डमी है या कहे अलग वर्जन, पर यहाँ मैं ही अकेला हूँ जो ओरिजिनल हूँ। ये कहते ही ओरिजिनल एडी उस एडी का सर पकड़ता है और फिर अपने दोनों हाथों से उसका सर मसल देता है। लेकिन तभी वहां पर बेडलैम आता है और एडी के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है तुम बेडलैम नहीं हो, मैं असली बेडलैम हूँ। लेकिन तभी एडी के अंदर जो बेडलैम है वो बाहर आता है और बेडलैम से कहता है मैं असली बेडलैम हूँ। ये कहते ही वे दोनों बेडलैम आपस में लड़ाई करने लगते है। या वाइल्ड ये देख रहा था और वो टायरो से कहता है इसे देखो ये चांस बन सकता है। जिस पर टायरो वाइल्ड से कहता है मैंने बहुत से रूप लिए हैं जैसे कि वाइल्ड फिनेगन और कई सारे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये कुछ अलग है, ऐसा कुछ जो कभी हुआ ही नहीं था। जिस पर वाइल्ड कहता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ तो मैं कभी तुम्हारी तरह नहीं बन पाऊंगा, इसका मतलब ये है कि ये केज है और हम इससे आजाद हो सकते हैं। जिस पर टायरो कहता है क्या कहा आजाद, इतना सब कुछ करने के बाद तुम आजाद होना चाहते हो, मैंने इतना किया है ताकि मैं मेरिटस बन सकूं और मैं ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता हूँ। ये कहते टायरो एडी पर हमला करता है तुम क्या हमें मजाक समझते हो। लेकिन तभी एडी टायरो को रोकता है। लेकिन तभी टायरो एडी से कहता है मैंने यहाँ पर कई साल बिताए हैं पर ऐसा कभी नहीं हुआ, पर जब मैंने अपने हालात स्वीकारे और मेरिडस बनने की राह पर निकला तब तुम मुझसे ये सब कुछ छीन गए। ये कहते टायरो एडी पर जबरदस्त वार करता है और एडी का सीना फाड़ देता है और कहता है तुमने बहुत देर कर दी एडी ब्रॉक, तुम अब इंसान बन गए हो इसलिए मुझे तुम्हें मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहते टायरो पुनः एडी को मारने जाता है, लेकिन इस बार फिनेगन टायरो पे हमला कर देता है और उसे पकड़ के रखता है। ये देखकर टायरो फिनेगन से कहता है मुझसे दूर हो जाओ। जिस पर फिनेगन टायरो से कहता है मैं इस पल की कब से प्रतीक्षा कर रहा था और आज मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं भी इस लूप से निकलना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी ये बातें सुनकर टायरो को गुस्सा आता है और वो फिनेगन को फाड़ देता है और कहता है डिलन मरा नहीं है, वो अब और ताकतवर हो चुका है, उसके पास अपना खुद का हाइव है और खुद की आर्मी भी, और जब वो तैयार हो जाएगा तब वो मेरिडस के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनेगा। लेकिन तभी एडी टायरो को देखता है और कहता है ये उसका काम नहीं है, उसे कभी भी सिम्बियोट वॉरियर बनना नहीं चाहिए था, ना कि अपना हाइव बनाना चाहिए था, हमारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है, वो कोई हत्या नहीं मेरा बेटा है और ये उसका काम नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और अगर इतना सुनने के बाद भी तुम वही करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहते ही एडी टायरो का सर उसके शरीर से अलग कर देता है और टायरो को मार डालता है और फिर वाइल्ड से पूछता है क्या तुम भी लड़ाई करना चाहते हो। जिस पर वाइल्ड मना करता है और कहता है मैं तो बीच में आऊंगा नहीं, पर वो देख लो। ये कहते ही एडी देखता है कि उसका बेडलैम गार्डन के बेडलैम से लड़ाई कर रहा था। तब ये देखकर वाइल्ड एडी से पूछता है मेरे दिमाग में एक सवाल है और वो ये है कि तुमने बेडलैम से हाथ मिला लिया लेकिन वो अब तुमसे अलग है, तो क्या इसके बाद भी तुम किंग इन ब्लैक हो। ये कहते ही वे सब देखते हैं कि टायरो पुनः जीवित हो चुका था। ये देखकर एडी कहता है तुम वापस आ गए, चलो एक और राउंड शुरू करते हैं। ये कहते ही एडी पुनः टायरो को मारने जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहां की जमीन हिलने लगती है मानो जैसे कि वहां पर भूकंप आया हो, और तब उस जमीन में से एक बड़ा सा सिम्बियोट बाहर आने लगता है जो कोई और नहीं बल्कि मेरिडस था। और तब वो वहां आते ही सबसे कहता है मैं इन सबसे खुश नहीं हूँ। ये कहते हैं मेरिडस एडी पर हमला करके उसे पीछे फेंकता है और कहता है
मैं तुम पर इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, और ना ही इस बात से हूँ कि तुम इवेंचुअलिटी से मिलकर अलग हुए, बल्कि इस बात से हूँ कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हें यह भी पता नहीं ये गार्डन क्या है। तुम्हें लगता है ये मरे हुए सिम्बियट से बना है। नहीं, मरे हुए सिम्बियट्स जैसी कोई चीज नहीं होती। सारे सिम्बियट्स जीवित है, बस एक दिमाग के तौर पर। मैंने किसी को नहीं बनाया, बल्कि मैं खुद ये गार्डन हूँ। ये सब कुछ मेरा है, ये शरीर मेरा है और मेरा खून भी। ये देखकर टायरो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हारा वफादार हूँ। लेकिन तभी मेरिडस टायरो को अपने अंदर खींच लेता है और फिर एडी को भी खींचने लगता है और कहता है, तुम अकेले हो ब्रॉक, और तुम अब इंसान हो, इसलिए तुम हमारे सिम्बियट के सामने हारोगे। लेकिन तभी एडी उन सिम्बियट्स को मारने लगता है और कहता है, भले ही मेरा फ्लैश कमजोर हो, पर यहाँ तुम अकेले नहीं हो जो सिम्बियट्स को कंट्रोल करते हो। हम सब यह किंग इन ब्लैक है। जिस पर मेरिडस एडी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे ये सारे अंश मेरी ना सुनकर तुम्हारे सुनेंगे? मेरे पास पावर है और एक्सपीरियंस भी। ये कोई एक दिमाग नहीं है, ये कहते हैं मेरिडस हंसने लगता है। लेकिन तभी मेरिडस के नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर मेरिडस हैरान रह जाता है और तब वो देखता है कि अचानक से उसके अंदर बहुत तेज दर्द होने लगा था और तब उसके अंदर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर एडी भी हैरान था और वो सोचने लगता है कि मेरिडस के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी मेरिडस दर्द के मारे बेहोश हो जाता है और तब उसका सिरा फाड़ के कुछ आने लगता है और तब उसका सिरा फाड़ के कार्नेज बाहर आता है और कहता है, लाल रंग मेरा फेवरेट है और ये लाल रंग ही कार्नेज है। यह कार्नेज को देखकर सारे किंग इन ब्लैक हैरान थे। तभी कार्नेज इन सब को देखता है और कहता है, मैंने तुम तक पहुंचने के लिए काफी सारे प्रयास किए। कभी काले से पानी में गिर गया और किसी हाथ से मिला, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गया तुम्हारे इस हेवन में एडी ब्रॉक। यह कहते ही कार्नेज गाना गाने लगता है। लेकिन तभी वह नया आया हुआ एडी ये देख लेता है और कहता है, कार्नेज वो भी यहाँ? अब समझ में आ रहा है, तुम्हें वो स्पेसशिप पे थे ना कार्नेज, जिसने रिंगों को पोजेस किया और फिर सारे लोगों को मार डाला। जिस पर एडी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी कार्नेज मेरिडस को वहां पर पड़ा हुआ देखता है और एडी से कहता है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं अब गॉड बन चुका हूँ। क्या तुम्हें ट्राई करना है? ये सुनते ही नया आया हुआ एडी कार्नेज पर हमला कर देता है। लेकिन कार्नेज एक ही पल में उस एडी के सीने में अपना हाथ घुसाकर उसे मार डालता है और कहता है, यहाँ पर कई सारे एडी है जिन्हें मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा। ये कहते ही कार्नेज उस एडी को पूरी तरह कंज्यूम कर देता है और एडी से कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मुझे यहाँ आने के लिए किसी को मारना पड़ा। जिस पर एडी कार्नेज से पूछता है, तुमने किसे मारा? जिस पर कार्नेज कहता है, वो क्या है, मुझे यहाँ आना था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे डिलन को मार डाला और यहाँ आ गया। ये कहते ही कार्नेज एडी को मारने जाता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।